हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी शो में यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम OCR के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये क्या टेक्नोलॉजी है, OCR क्या है, इसका काम क्या है और इसे हम क्यों यूज करते हैं और इसका पहले कैसा था OCR और आज कैसा है, इन सारी चीजों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे OCR को शुरू होने से पहले एक टेक्नोलॉजी था, अभी भी वो टेक्नोलॉजी यूज होता है, उसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और यहाँ पे दोस्तों MICR को यूज किया जाता है चेक के नीचे जो नंबर्स होता है ना, उसी नंबर्स को लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो MICR है यहाँ पे हम सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स ही लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे MICR में प्रॉब्लम था, इसीलिए यहाँ पे OCR का इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि MICR से हम तो सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स ही लिख सकते हैं, तो कोई फायदा तो है नहीं, सिर्फ चेक्स वगैरह लिखने के लिए यहाँ पे उसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चेक्स के नीचे जो नंबर होता है उसी नंबर से बैंक पता लगाता है कि ये चेक किस बैंक का है, कहाँ से ये चेक आया है, उसका ब्रांच कहाँ पे है, इन्हीं सारी चीजों को पता लगाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे MICR को यूज किया जाता है चेक्स के अंदर। पर दोस्तों हमारे नॉर्मल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता, वहां पे तो सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर से तो काम चलता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे OCR का इंट्रोड्यूस किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे OCR क्या होता है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे पहले जमाने में OCR क्या होता था कि अगर आप कुछ लिखते थे आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर तो वो जो है ठीक से काम नहीं करता था, ठीक से नहीं दिखाता था, आपको जो राइटिंग है उसको प्रॉपर लिखना पड़ता था तो ही आपका जो मोबाइल है वो प्रॉपर दिखाता था। या फिर दोस्तों अगर मैं OCR की एक्चुअल बात करूँ तो OCR सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंबाइन करके मेनली बनाया जाता है। पर दोस्तों आज के जमाने में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि आजकल सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही यूज किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं रिसेंट मोबाइल फोन्स की बात करूं जहां पे OCR यूज होता है, कोई भी मोबाइल फोन आप ले लो, वहां पे कैसे होता है कि आप जब भी कोई एक कुछ लिखते हो, जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया डॉग, तो अगर आपने डॉग लिखा है, अगर आपका जो ओ है ओ अगर एक ही तरह भी कुछ हद तक दिखता है तो भी आपका जो मोबाइल है वो भी आपको डॉग ही दिखाई देगा कि हाँ आपने डॉग ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, तो ये आपका मोबाइल कैसे करेगा। दोस्तों अगर आप कुछ लिखते हो आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और अगर आपका मोबाइल उसी चीज को दिखाता है, ऊपर डॉग लिखा है आपने, तो ये कैसे होता है। आप जब भी डी ए जी अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक ही तरह आपने ओ को लिख दिया, हाँ अगर आपने एक ही तरह ओ को लिख दिया तो क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है वो डिक्शनरी से भी चेक करेगा, उसके पास एक ऐसा डिक्शनरी भी है जो चेक करता है कि आपका जो वर्ड है वो किससे मिलता जुलता है, इस डिक्शनरी का किस वर्ड से मिलता जुलता है। तो अगर यहाँ पे आपने डैग लिखा है, डैग का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो मोबाइल है उसे कनेक्ट करके डॉग कर देगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका मोबाइल जो आपने लिखा है डॉग उसे पता कैसे करेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक एक वर्ड के अंदर एक एक अल्फाबेट है, जैसे कि डॉग के अंदर तीन अल्फाबेट है डी ओ एंड जी, और यहाँ पे अगर डी अल्फाबेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका मोबाइल कैसे पता लगाएगा कि वो डी लिखा है आपने, तो इसीलिए यहाँ पे जो डी है उसका एक एक पिक्सल है, उस डी का पिक्सल है और डी किसी किसी जगह पे कार्ड है, राइट। आप इन्हीं सारी चीजों को उस जो आपका OCR सॉफ्टवेयर है उस डिटेक्ट करता है, कैसे डिटेक्ट करता है, उसके पास एक एक मेमोरी भी है जहां पे हर एक वर्ड को दिखाया गया है कि अच्छा ये डी है, ये ओ है, ये जी है, उन सारे वर्ड्स को अकॉर्डिंगली आपका वर्ड जो है उसे चेक करता है। और जब ये चेक हो गया, जैसे कि अगर ओ और ए, जैसे मैंने पहले आपको बताया ओ और ए समझ नहीं आ रहा है ओ है या फिर ए है, तो फिर वो जाके डिक्शनरी से चेक करता है, उसके अंदर जो डिक्शनरी है उससे चेक करता है कि ये वर्ड कौन सा है, ए है या फिर ओ है, राइट। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे OCR टेक्नोलॉजी, मॉडर्न OCR टेक्नोलॉजी जो है वो काम करता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं हैंडराइटिंग की बात करूं, अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदा है या फिर आप इतना स्टाइल से लिख दिया है कि वहां पे कोई पढ़ा नहीं जा रहा है उस वर्ड को, तो उस केस में जो है आपका मोबाइल जो इसे नहीं पढ़ पाएगा या फिर आपका कंप्यूटर जो भी है नहीं पढ़ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे OCR का एक और यूज भी होता है, जैसे कि अगर आपने एक डॉक्यूमेंट को स्कैन किया, राइट,
अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया और उस डॉक्यूमेंट को आप अपने कंप्यूटर में सेव किया, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी एडिटिंग जो है नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल कैट, उस कैट को आपने रिमूव करके ड्रॉप कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर स्कैन करने के बाद जो इमेज को आपको दिखा रहा है वो एक जीरो और वन के फॉर्म में है। और दोस्तों यहाँ पे अगर कंप्यूटर को तो ये तो पता नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट का स्कैन है, अगर मैं उसकी जगह पे मेरा फोटो भी रख देता हूँ तो भी कंप्यूटर को कुछ अलग फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे भी लगता है कि हाँ ये जीरो और वन के फॉर्म में एक सिंपल सा एक इमेज फाइल है, उसे ये नहीं पता है कि एक्चुअली ये है क्या। दोस्तों यहाँ पे OCR टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसा करना पॉसिबल है। OCR को यूज करके आप अगर OCR डिवाइस के अंदर आप एक डॉक्यूमेंट्स को रखते हो तो उस डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद जो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो आउटपुट आप टेक्स्ट फाइल में होगा ना कि इमेज फाइल में। आप वहां पे टेक्स्ट फाइल से कुछ भी एडिट करके फिर से आप उसे अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जैसे कि किसी जगह पे कैट लिखा है आप उसे चेंज करके डॉग कर दिया। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे OCR जो है काम करता है। OCR का बहुत सारा यूज होता है आज के जमाने में, जैसे कि मैं हमारा पहला एग्जांपल है आपका मोबाइल तो है ही है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको फिर से एडिट कर सकते हो आप OCR को यूज करके, तो वगैरह वगैरह बहुत सारा अलग अलग टाइप एग्जाम्पल है। तो यही थी दोस्तों आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता आपको वीडियो कभी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों वीडियो का दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो OCR से रिलेटेड तो उसे कमेंट सेक्शन जरूर पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे ये होगा ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।